हमारे सरकार के थाना प्रभारी जिला अध्यक्ष बिहार में शराब का कारोबार बंद है, ये सरकार का दावा है। अधिकारी जोर जोर से कहते हैं कि शराब में जो भी लिप्त पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी, नौकरी जाएगी, जेल जाएंगे। लेकिन इस जनाब को देख लीजिए, खुलेआम माइक पर भोंपू लगा कर कह रहे हैं कि हाँ मैंने शराब पी है। सिर्फ शराब पीने का ही दावा नहीं कर रहे, बल्कि इनका कहना है कि बिहार में शराब गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, घर घर मिल रही है। आप खुद पिए हुए शराब? हाँ पिए, बिक रहा पिए ना, पिए ना। अभी आप शराब पी के अनाउंस कर रहे हैं ये बात को? हाँ मिल रहा, बिक रहा, पी रहे, बिक रहे। तो अगर पुलिस पकड़ेगी तब पुलिस पकड़ेगी बताएंगे कहाँ बिक रहा है। अगर ये दावा किसी रिक्शा चलाने वाले का है, वो भी माइक लगा करके, तो सरकार की तरफ से ये दावा किया जा सकता है कि ये विपक्ष की साजिश है जो जोर जोर से माइक पर यह कहलवा रही है कि बिहार में शराब बिक रहा है। लेकिन व्यवस्था को मुंह चिढ़ाती ये पूरी प्रक्रिया निश्चित तौर पर बिहार की उस व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रही है, जिसके लिए सुशासन बाबू काफी तेजी से बोलते भी हैं, गुस्सा भी होते हैं, दिखाते भी हैं, सब कुछ बंद होने की बात भी कहते हैं, लेकिन फिर भी शराब तो बिक रही है। यकीन न हो तो जरा इनके भोंपू की आवाज से उन तमाम चीजों को सुन लीजिए जो रिक्शा वाले कह रहे हैं। विचार तो सरकार को करना है कि इस तरह का भोंपू और न बजे, इसके लिए सरकार सजग भी हो और कड़ाई से काम भी करे। हमारे सरकार के थाना प्रभारी जिला अध्यक्ष इन पर गौर नहीं कर रहे हैं और सभी खुलाम शराब बिक्री को धंधे कर रहे हैं। बालू का भी वही कहानी है, बालू भी खुलाम है। शराबबंदी नीतीश कुमार जी सरकार ने किया था, एक खुलेआम शराब बिक रहा है गली गली, और गली गली बिक रहा है, हर एक इंसान बर्बाद हो रहा है, हर एक माँ बालों को लेना बंद कर रहा है। और मैं बोल रहा हूँ कि उनका सरकार करीबी नहीं है, घर घर दारू, गली गली शराब बिक रहा है, खुलेआम है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत।